प्रश्नावली 13.2 का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि लंबवृत्तीय बेलन है तो इसकी ऊंचाई को हम क्या लेते हैं, एच लेते हैं, एच दिए हैं, और लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बक पृष्ठ दिए हैं, कितना दिए हैं 88 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का व्यास, व्यास क्या होता है 2R, ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें R की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई h कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दिए, R हमें ज्ञात नहीं है तो हमें निकालना क्या है, ये हमें दिए क्या वक्र पृष्ठ दिए है इसका या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए है इसके चारों ओर का, ऊपर का भाग और नीचे का भाग नहीं दिए है। यदि ऊपर और नीचे का भाग जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, यह आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखिए प्रश्न के आधार पर हम ले रहे हैं, तो देखिए प्रश्न अनुसार हमें क्या दिए हैं, एच दिए है, ऊंचाई दिए है 14 सेंटीमीटर, बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए है प्रश्नानुसार 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल या बक पृष्ठ कितना होता है 2πRh बराबर 88 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमें h का मान मालूम है और r का मान ज्ञात करना है, और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 2×22/7×r और h का मान × 14, तो 7 से काटते हैं 7×2=14, अब यदि गुणा करें तो 22×2=44, 44×2=88, तो 88r = 88 लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो गया आपका 88/88, 88 जब 88 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हमें r ज्ञात हो गया। तो r क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब हमें व्यास ज्ञात करना है, व्यास क्या होता है 2r, तो 2×r का मान कितना निकला है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 2×1=2 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्रश्न कह रहा था कि लंबवृत्तीय बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास हमारा क्या आ गया, व्यास 2r = 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं व्यास को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं, तो d बराबर 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न का कह रहा है कि धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो कह क्या रहा है कि धातु के चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता बनेगी। तो देखिए ये हमारा बेलर बन गया, इसमें ये R है और ये H है, तो H का मान कितना दिए है आपको 1 मीटर दिए है, और हमें R कितना प्राप्त है, व्यास कितना है 240, व्यास कितना है इसमें 140 सेंटीमीटर है। देखिए प्रश्नानुसार ले रहे हैं, तो प्रश्नानुसार हमें h बराबर दिए है, कितनी ऊंची बन रही है 1 मीटर, तो h बराबर 1 मीटर आ गया, और व्यास कितना दिए है 140 सेंटीमीटर, व्यास 2r बराबर क्या होता है 140 सेंटीमीटर, तो r बराबर निकाल सकते हैं 140/2 सेंटीमीटर, अर्थात कितना आ जाएगा 2×7=14, 70 सेंटीमीटर। तो चूँकि जो हमारी ऊंचाई है वो मीटर में है और व्यास किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर, तो अर्थात 70 में 100 का भाग चला जाएगा तो क्या आएगा 0.7 मीटर। तो टंकी को बनाने के लिए आवश्यक चादर, चूंकि टंकी बनेगी आपको, तो जब टंकी बनाएंगे तो सभी उसके पृष्ठ रहेंगे, अर्थात हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के कैसे, दो आपके समतल होते हैं, एक आपका वक्रतल होता है, तो दोनों का हमें योगफल करना पड़ेगा।
तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले बेलन का बक पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2πRh प्लस 2πr2। क्योंकि देखिए नीचे का आपका क्षेत्रफल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एक ये हो गया, और एक ऊपर का लेंगे तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और ये आपका जो बेलनाकार है ये बक पृष्ठ, तो बक पृष्ठ क्या होता है? इसका 2πrh होता है, और एक आधार का क्षेत्रफल लें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो दो का क्या हो जाएगा? 2πr2। तो हम ले सकते हैं 2πrh + r, कामन ले लिया 2πr, तो कोष्टक में क्या आ गया? h + r। अब इनके मान हम रखे दे रहे हैं, 2 × π का मान कितना है? 22/7। r का मान हमने कितना निकाला? 0.7। h का मान कितना है आपका? h का मान हमारा कितना दिए है? h का मान हमारा 1 मीटर है, प्लस r का मान कितना है? 0.7, तो 1 + 0.7, तो जोड़ देंगे इसे, तो 22 × 44, 7 से काटें तो 7 × 1 = 7, अर्थात 0.1 अंक में है, तो 1 अंक में 0.0 लग जाएगा, 0.1 जोड़ देंगे 0.7 में 1 को, तो कितना आ जाएगा? 1.7। अब देखिए गुणा कर दे रहे हैं, तो इसमें ध्यान देंगे कि आपका 17 का पहाड़ा 17 × 44 से कर दीजिए तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो 17 × 68 कि 8 × 6 हासिल हुआ, 17 × 68 और 6 तो 68 × 6 = 74, तो 748 आ गया। कितने अंक में है? 2 अंक में 0.0 है, तो 7.48 m². माने टंकी को बनाने में कुल चादर की आवश्यकता बनेगी। तो हम देखिए थोड़ा अपनी मन से भी दिमाग लगा सकते हैं, चूंकि हमें टंकी बनानी है तो चादर कहाँ लगती है? बाहरी क्षेत्र में लगती है, नीचे लगती है और ऊपर लगती है। तो इसमें जो कुल जितने भी पृष्ठ हैं तो उसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है, इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले बक पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, और दो आधार के क्षेत्रफल होंगे तो 2πr2। तो इससे हमारा सूत्र क्या बन रहा था? 2πr (h + r), उसमें मान रख के हमने कितना निकाला इसका? 7.48 m², जिसमें कुल चादर हमें लगेगी। इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, अर्थात पाइप की मोटाई क्या हो गई? 0.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि आंतरिक बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है बाहरी बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है इसी का कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए हम इस चित्र का अवलोकन करते हैं, तो इसमें देखिए जो आपकी त्रिज्या हमने क्या मानी है? आर मानी है आंतरिक त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपको? 77 सेंटीमीटर दिए है। तो देखिए अब हम प्रश्न अनुसार ले रहे हैं, तो ऊंचाई h बराबर कितना दिए? 77 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसका आंतरिक व्यास क्या दिए है हमें? 2r = 4 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 = 2 सेंटीमीटर। तो हमें आंतरिक त्रिज्या पता चल गई इसकी, क्या है आपकी? 2 सेंटीमीटर। अब हम बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, तो बाहरी व्यास 2R बराबर दिए 4.4, तो बाहरी त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? 4.4/2, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 × 4.2 × 4, तो 2.2 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न कह रहा है इसका, कह रहा है आंतरिक बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आंतरिक बक पृष्ठ निकालना है, तो बक पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, तो 2π का मान कितना है? 22/7, और हमने आंतरिक त्रिज्या r कितना निकाला है? 2 निकाला है, गुणे ऊंचाई कितनी है? 77 है, 7 से 77 को काटे तो 11 × 7 = 77 होता है, तो 11 आ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने में 22 × 44, 44 × 88, तो 88 × 11 हो गया, तो 11 × 8 = 88, 88 × 8 = 96, 96 × 8 = 96, 96 × 8 = 96, 96 × 8 = 96, तो 968 cm², ये आपका आंतरिक बक पृष्ठ हो गया। अब हम बाहरी बक पृष्ठ निकालेंगे,
तो बाहरी वक्रपृष्ठ के लिए हमें बाहरी त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है और बाहरी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो हम लिख देंगे 2 × 22/7, कैपिटल आर का मान कितना है 2.2 × 77, 7 से काटा 11 × 77। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 × 44 हो गया, और 22 का गुणा 11 से करेंगे, 11 × 22 = 2 हासिल हुआ, 11 × 22 = 2 = 24, एक अंक में दशमलव है तो 24.2 आ गया। अब देखिए हम 24.2 में 44 का गुणा करते हैं, पहले 4 का गुणा करेंगे, 4 × 8, 4 × 16 = 6, 1 हासिल हुआ, 4 × 8 = 9, फिर 4 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो देखिए आपका क्या आ गया, 8, 8 × 6 = 14, 1 हासिल हुआ, 9 × 6 = 15, 1 × 16 = 6, 1 हासिल हुआ, 9 × 1 = 10, कितने अंक में दशमलव, 1 अंक में। तो ये आपका आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बाहरी त्रिज्या। अब हमें कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी बाकी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दोनों बलियों के जो वाले आकार हैं सिरे उनका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए हम निकालते हैं, तो हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हमने निकाला था, 968, ये देखिए लिखा है आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला है, 1064.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने जोड़ दिया प्लस दोनों वाले आकार सिरों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2π कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर घट जाएगा, अर्थात बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या हम घटा देंगे। तो देखिए हम जोड़ देते हैं इन्हें, तो क्या हो जाएगा, 0.8 तो आ जाएगा, 8 × 4 = 12, 1 हासिल हुआ, 6 × 6 = 12, 11 × 3, 1 हासिल हुआ, तो 9 × 10 = 0, 1 हासिल हुआ, 1 × 1 = 2, तो ये आपका आ गया 2032.8। इसका मान रखेंगे प्लस 2 × π का मान है 22/7 और कैपिटल आर का मान कितना है 2.2, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका मान 32.8 है ही है प्लस 22 × 44/7 हो गया, और 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 अंकों में दशमलव, 4.84 − 4, 4.84 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0.84 आ जाएगा। तो हमने बराबर 32.8 प्लस 22 तो क्या है आपका 44/7 और इसमें कितना आ गया था 0.84, अब काट देंगे तो 12 × 7 = 84 होता है, 2 अंक में दशमलव तो 0.12 आ जाएगा। तो इधर दिए है आपका 22/32.8 और जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 × 48 = 8, 4 हासिल हुआ, 12 × 48 = 4, 52, कितने अंक में दशमलव, 2 अंक में, तो 5.28 आ गया। जोड़ लीजिए अब इसे, तो चूंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के 2 अंक हैं, तो पहले में हम दशमलव के बाद 0 बढ़ा देंगे, तो 0.8 कितना 8 हुआ, 8 × 2 = 10, 0, 1 हासिल हुआ, 5 × 2 = 7, 1 = 8, 3 = 0, 2, तो ये आपका आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, कह रहा है खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि रोलर एक बार चलता है तो अपने वक्रपृष्ठ के बराबर चलता है, तो चूंकि हमें 500 चक्कर लगाने हैं तो अर्थात इसका वक्रपृष्ठ निकालकर 500 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न अनुसार हमें क्या दिए हैं, सबसे पहले इसका व्यास दिए हैं, व्यास क्या होता है 2R, तो 2R = 84 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें तो 84 क्या हो जाएगा 100, तो आर बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा 84/2 × 100, 2 से काट दें 84 को तो 42 आ जाएगा, 42/100 मीटर, ये आपका त्रिज्या आ गया। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी दी है रोलर की, 120 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो 120/100 मीटर। तो देखिए रोलर का वक्रपृष्ठ हम निकाल रहे हैं, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πRh, तो देखिए 2 × π का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमारा कितना है 42/100 आया है और एच का मान 120/100,
तो चूंकि हमें देखिए मैदान का कुल क्षेत्रफल निकालना है, चूंकि ये 500 चक्कर लगा रहा है तो वक्र पृष्ठ में कितने गुणा हो जाएगा, 500 गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 22/7 × 42/100 × 120/100 × 500, 500 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब देखिए हम काट रहे हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 × 6 = 42, नीचे आपके कितने 4 जीरो हैं तो 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से 10 को काटे तो 2 × 5 = 10, 5 आ गया, और 5 को 5 से काट देंगे तो देखिए कितना बचा आपका 22 × 6 × 12, तो 6 का गुणा कर दें 22 में, तो 6 × 12 के 2 एक हासिल हुआ, 6 × 12 = 13, 132 × 12, 12 का गुणा करें अब 132 में, तो 12 × 24 = 4, 2 हासिल हुआ, 12 × 3 = 36, 2 × 38 = 8, 3 हासिल 12 × 1 = 12, 3 = 15, तो ये आपका आ गया 1584 मीटर स्क्वायर मैदान का कुल क्षेत्रफल जिसे हमें समतल करना है। देखिए अगला प्रश्न इसका ले रहे हैं, पांचवा कह रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, कह रहा है बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिए और ऊंचाई दिए है, 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, क्योंकि पेंट कराना है हमें, तो हमें प्रश्नानुसार देखिए क्या दिए है, व्यास दिए है तो 2r = 50 सेंटीमीटर और h बराबर कितना दिए है आपको 3.5 मीटर, तो देखिए इससे हम त्रिज्या पहले r निकाले रहे हैं, तो 50/2 = 25 सेंटीमीटर, तो देखिए चूंकि हमारी ऊंचाई मीटर में है तो हमें त्रिज्या को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 का भाग दे देंगे तो 25/100 बराबर कितना आ गया 1/4 मीटर। तो अब हमें बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ निकाल लेना है जिसमें हमें पेंट कराना है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh होता है, तो 2 × π = 22/7 × r = हमने 1/4 निकाला है और h का मान 3.5 है, तो देखिए हमारा 7 से 35 को काटे 7 × 35 तो 0.5 आ जाएगा, एक अंक पर दशमलव है, 2 से 4 को काटा 2 × 2 = 4 और 2 से 22 को काट दिया 11, क्या बचा आपका 0.5 × 11, 11×55 अर्थात 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ आ गया। अब हमें पेंट कराने का व्यय निकालना है, तो कितने रुपए है पेंट कराने का व्यय, 12 रुपये 50 पैसे का है, तो इसमें प्रति मीटर स्क्वायर का, तो हमें 5.5 में 12.50 का गुणा कर देंगे, तो देखिए 5 का 0 आया, 5×25 = 5, 2 हासिल हुआ, 5 × 2 = 10, 2 × 12 = 2, 1 हासिल हुआ, 5×1 = 5, 1 = 6, इसी प्रकार फिर 5 का गुणा करके ये आपका 6,250 आ जाएगा, 0 आया, 5, 5×2 = 7, 6×2 = 8, 6 कितने अंक में दशमलव है 3 अंक में 3, तो 68.750 आ गया, अर्थात 68.75 रुपये, अर्थात 68 रुपये 75 पैसे आपको पेंट कराने में बे होगा, यही हमारा इसका उत्तर है। धन्यवाद। इसी प्रश्नावली का छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिए है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए है, अर्थात क्या दिए है हमें, वक्र पृष्ठ दिए है 4.4 और त्रिज्या दिए है 0.7 मीटर, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं, देखिए प्रश्नानुसार क्या दिए है, आर बराबर 0.7 मीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिए 4.4 मीटर स्क्वायर, तो हम देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh बराबर 4.4, देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, 2 × 22/7 × आर का मान कितना है 0.7 × h बराबर 4.4, 7 से काटेंगे तो 7 × 7 = 1 में तो 0.1 हो जाएगा, 22 × 44 का 0.1 से गुणा करके आएगा 4.4 × h, 4.4 h बराबर 4.4, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 4.4/4.4, अर्थात कितना आ गया h बराबर 1 मीटर, तो हमें बेलन की ऊंचाई क्या आ गई आपकी 1 मीटर। देखिए इसी का अगला प्रश्न ले रहे हैं कि किसी बेलनाकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
दूसरा 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय सॉल्यूशन ले रहे हैं। चूंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हम आंतरिक त्रिज्या मान लेंगे, तो ब्यास दिए है तो अर्थात 2r बराबर क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और h दिए देखिए ले रहे हैं 2r बराबर क्या होगा 3.5 मीटर, h बराबर 10 मीटर, तो r बराबर निकालेंगे क्या होगा 3.5 बटे 2 मीटर। देखिए अब कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है 2πrh, तो रख देंगे इसमें मान 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे 3.5 बटे 2 गुणे 10, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, 0 कट गया, 7 × 35 अर्थात 5 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो 22×5 कितना होता है 110 मीटर स्क्वायर। तो ये पहला आपका आंसर हो गया, क्या गया कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ। दूसरा कह रहा है प्लास्टर कराने का व्यय, तो प्लास्टर कराने का व्यय कितना है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, था 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 गुणे 40 बराबर क्या आ जाएगा 11×44, 2 0 लग जाएंगे अर्थात 4400 रुपये। प्लास्टर कराने में कितना भी लगेगा 4400 रुपये। इसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप, इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ है। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिए है कि व्यास दिए है 5 सेंटीमीटर, तो अर्थात हम त्रिज्या इसे निकाल लेंगे, और ऊंचाई कितनी दी है हमें 28 मीटर। तो देखिए हम प्रश्नानुसार ले रहे हैं, तो क्या है आपका 2r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर तथा h बराबर कितना है 28 मीटर। तो देखिए हम त्रिज्या को भी किसमें बदल लेंगे मीटर में, तो देखिए 2r बराबर 5 है तो r बराबर कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं r बराबर जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2×2 = 4, 2×5 = 10 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा r बराबर 2.5/100 मीटर। अब देखिए चूंकि हमें इसका संयंत्र का गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ निकालना है, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh, पाई का मान क्या लेते हैं 22/7, तो देखिए हमने ले लिया तो 2 गुणे पाई का मान हमने लिया 22/7 गुणे आर का मान कितना आया 2.5/100 गुणे एच का मान कितना है 28 है, तब देखिए 7 से यदि 28 को काटें तो कितना होता है 7×4 = 28 4 आ गए, 100 को यदि 4 से काटें तो 25×100 25 से कम 25 = 1 आ गए, तो अब 22×44 44 का जब हम 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 44 से कम 44 4.4 मीटर स्क्वायर, चूँकि एक अंक में दशमलव है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना वहाँ कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास कितना है 4.2 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 4.5 मीटर है, तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हमें क्या दिए है व्यास दिए है अर्थात 2r बराबर कितना दिए है 4.2 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दी है 4.5 मीटर, तो हम व्यास से त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 4.2/2 अर्थात कितना आ गया 2×2 = 4, 2×1 = 2 तो r बराबर कितना आ गया 2.1 मीटर। r पता चल गया और h पता चल गया, देखिए हम इसे चित्र में रख देते हैं, तो चित्र में हमें h बराबर कितना पता है, ऊंचाई कितनी है आपकी 4.5 मीटर और इसकी त्रिज्या कितनी निकाली है 2.1 मीटर, क्योंकि ब्याज कितना था 4.2 था, अर्थात त्रिज्या कितनी होती है उसकी आधी होती है, तो चूंकि हमें निकालना क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का 2πrh, तो 2 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मान कितना निकाला है 2.1 गुणे एच का मान कितना है आपका 4.5 है, तो 7 से काट दें 7×21 तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कितने अंक में 0.1 अंक में है तो 0.3, 22×2 कितना हुआ 44, 0.3×4.5 तो 44, 45 दिया कितना होता है 135, कितने अंक में 0 है 2 अंक में तो 1.35 हो जाएगा। अब देखो 44 का मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं तो 4 का गुणा करें तो 4×5 = 20 की 0 कितना हासिल हुआ 2 हासिल हुआ, 4×3 = 12, 2×14 = 4 एक हासिल हुआ, 4×1 = 4, 1×5 540 आ गया, फिर 4 से करेंगे तो फिर 540। अब देखिए जोड़ रहे हैं 0, 4, 4×5 = 9 और ये 5 आ गया, कितने अंक में दशमलव है आपका 2 अंक में है, तो क्या आ जाएगा
59.40 या हम लिख सकते हैं 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा टंकी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ। यही हमारा उत्तर। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया होगा, तो देखिए हम जानते हैं यदि कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ भाग नष्ट हो जाता है, तो कितना इसका भाग नष्ट होगा, 1/12 का मान लेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, माना इस्पात का वास्तविक क्षेत्रफल एक्स मीटर स्क्वायर है, तो हमें निकालना है टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, इसका वक्रतल आता है और दोनों आधार के क्षेत्रफल आते हैं, तो क्या होता है वक्र पृष्ठ प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, 2πR कोष्टक में h प्लस r। तो देखिए हम मान रख रहे हैं इनके 2 × π का मान है 22/7 × r का मान है 2.1 कोष्टक में h का मान है 4.5 प्लस r का मान कितना है 2.1। तो देखिए 7×21 एक अंक में दशमलव, तो 0.3 हो जाएगा, कितना हुआ 22×44 0.3×4.5 में 2.1 जोड़ दें तो 5×1=6, 4×2=6 अर्थात 6.6 हो गया। अब गुणा कर दें तो 44 का गुणा 3 से कर दें तो 3×12 = 2 एक हासिल हुआ, 3×12=13 एक अंक में दशमलव है तो क्या हो जाएगा 13.2×6.6। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया 6×12 एक हासिल हुआ, 6×3=18, 1×19=9 एक हासिल हुआ, 6×6=7 फिर 6 का गुणा करना है तो क्या आ जाएगा 792। तो देखिए अभी ने जोड़े रहे हैं 2 आया, 9×2=11 हासिल हुआ, 9×7=16 1×17=17 हासिल हुआ 7×1=8 तो कितना आया, कितने अंक में दशमलव, 2 अंक में 1 और 2, तो ये आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इस टैंक को बनाने में इसका 1/12 भाग नष्ट हुआ है, हमने कुल इस्पात का वास्तविक क्षेत्रफल क्या माना, एक्स माना है, अर्थात एक्स में 1/12 घटा देंगे तो 1/12 घट जाएगा। तो देखिए एक्स का तो एक में 1/12 घटाए दे रहे हैं, या एक्स में 1/12 घटा सकते हैं, तो एक्स का 11/12 आ गया, 12 × 1=12, 12 में 1 गए तो 11/12 भाग कितना हुआ 87.12 मीटर स्क्वायर जो अभी आया है। तो हम एक्स बराबर निकालें तो 11/12 क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, तो ये आपका गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो क्या आएगा 87.12×12/11। अब 12 का गुणा कर देंगे तो 12×24=4 2 हासिल हुआ, 12×12=14 कितना हासिल हुआ 1, 12×7=84 1×85=5 8 हासिल हुआ, और 12×8=96 और 96×8=104 क्या आया आपका 1045.44/11 का भाग दिए दे रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ आपका 11 × 99 5 बचा, 11×55 भाग नहीं जाएगा 4 में तो 0 लग गया, 44 हुआ, 11×44 तो क्या गया 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा x का मान निकल आया। तो हमें कुल कितनी क्या निकालना था, हमें इसमें कह रहा है कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा, तो कुल कितना इस्पात हमारा लगा 95.04 मीटर स्क्वायर। देखिए इसी का अगला सवाल ले रहे हैं, 10वां नंबर क्या कह रहा है कि 7 की आकृति में आप एक लैंप सेट, क्या कह रहा है 7 की आकृति में एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, नीचे चित्र में बना है, इस फ्रेम के आधार पर व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर क्या है आपका 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, तो ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हमें दिख रहा है कि आकृति कैसी है, बेलनाकार है, इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिए है और दोनों ओर कितना कपड़ा छोड़ा है 2.5, तो 2.5 जुड़ जाएगा अर्थात 5 जुड़ जाएगा अर्थात ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी, और आधार का व्यास कितने हैं 20 सेंटीमीटर दिया था, त्रिज्या माई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, 2R बराबर कितना दिए है 20 सेंटीमीटर और H बराबर कितना दिए 30 सेंटीमीटर,
तो आर बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें फ्रेम को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े की ऊंचाई अर्थात बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो हमारा क्या है 30 है और एक्स्ट्रा कपड़ा क्या है आपका ऊपर और नीचे 2.5 छोड़ते हैं तो जुड़ जाएगा 30 + 2.5 + 2.5 तो कितना हो गया 2.5 हो गया 30 और 5 35 ये 35 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो गई। तो हमें कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, कितना कपड़ा लगा, कपड़ा कैसे लगा है वक्र तल में लगा है अर्थात बेलन का हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, तो 2π का मान क्या होता है 22/7, तो 2 × 22/7 आर का मान क्या है 10 है और एच का मान हमारा कितना निकला है 35, 7 से काट दिए 7 × 35 और 22 × 44 = 440 × 5 5 से गुणा कर दीजिए 0, 4 × 5 = 20 कि 0 2 हासिल हुआ, 4 × 5 = 20 तो 22 कितना ये आ गया आपका कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें कपड़ा लगेगा। देखिए हमने चित्र में भी दिखाया है कितनी इसकी ऊंचाई थी, पहले बेलन की आपकी 30 सेंटीमीटर थी और कपड़ा कितना लग रहा था 2.5 ऊपर लग रहा है 2.5 नीचे, तो ये टोटल आपका कितना हो गया 35 सेंटीमीटर और इसका ब्यास था 20 तो इसका त्रिज्या 10 हो गई। तो इसे हम आसानी से सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो क्या हमारा सॉल्यूशन निकला 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले, माने एक आधार चाहिए, बेलन में कितने आधार होते हैं 2 होते हैं, बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने व सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया, प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था, विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगिताओं को गत्ता देना था, यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो देखिए प्रश्न स्पष्ट है कि चूंकि एक आधार वाला है तो हमें एक आधार लेना है और एक आपका वक्र पृष्ठ वक्रतल लेना है, तो इसमें वक्र पृष्ठ प्लस एक आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे। इसमें ऊंचाई कितनी दी है आपको 10.5 सेंटीमीटर दिए और त्रिज्या कितनी दी 3 सेंटीमीटर दिए हैं, तो जहां हम एक का निकालेंगे एक प्रतिभागी के लिए, फिर 35 प्रतिभागी के लिए निकालना है तो 35 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन कमलदान के लिए हम ले रहे हैं तो आर बराबर कितना दिए 3 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना दिए 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कमलदान का हमें क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने कितने पृष्ठ लगे, तो इसमें देखिए पृष्ठ क्या लग रहा है, एक तो आपका वक्र पृष्ठ लग रहा है अर्थात 2πRh और एक आधार का क्षेत्र लग रहा है। बेलन में कितने आधार के क्षेत्र होते हैं 2 होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो हम एक आधार का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या हो गया 2πRh + πR2। तो देखिए इनके मान हम रख रहे हैं, तो देखिए पहले हम कामन ले ले रहे, पाई आर कामन है तो क्या आ जाएगा 2h + r, पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान कितना है 3 है गुणे कोष्टक में 2, h का मान कितना है 10.5 है और r का मान है 3 है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो 22/7 3 और यदि 10.5 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 × 3 कितना होता है 24। अब देखिए हम कितना आपका आ गया 22/7 × 3 × 24, ये आपका क्या आ गया कमलदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया था, कुल पृष्ठ निकल आए। तो ये एक प्रतिभागी के देना है इतना, अब हमें कितने प्रतिभागी हैं 35 हैं, तो इसमें 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, तो 35 × 22/7 × 3 × 24 7 से काट दे 7 × 35 5 आया। अब यदि 22 × 5 कितना होता है 110 और 24 दिया 72, 72 को गुणा कर दें 110 से तो क्या हो जाएगा आपका 0, 72 × 72 = 2 7 हासिल हुआ, 72 × 72 72 7 कितना होता है 79, तो ये आपका आ गया 79/20 cm², यह 7920 cm², इतना हमें कुल गत्ता लगेगा प्रतिभा।